बिग बैश लीग 2021-22 का मैच नंबर 6। आज के इस वीडियो में हम इस मैच का फुल प्रीव्यू करेंगे, बताएंगे आपको प्लेयर्स के क्या स्टैट्स है, पिच की क्या कंडीशन है, कौन सा बॉलर आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है और बताएंगे कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है। साथ में अगर आप ड्रीम इलेवन से किसी भी साइड पर खेलते हो तो आपके लिए स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में कौन से प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं बिग बैश के बारे में। बिग बैश के अभी तक 5 मैच कंप्लीट हो चुके हैं और हमारी प्रेडिक्शन अभी तक 99% सही रही है। बात करते हैं मैच नंबर 6 जो कि एडिलेड स्ट्राइकर और मेलबर्न रेनेगेड के बीच 9 दिसंबर को 1:45 PM पर एडिलेड में खेला जाएगा। प्लेयर्स की न्यूज की बात करें तो यहां पर एरॉन फिंच वापसी कर सकते हैं रेनेगेड में। वहीं बात करते हैं एडिलेड की तो एडिलेड के ऑल प्लेयर फिट है, वो लगभग अपने सेम प्लेइंग 11 के साथ जा सकते हैं। दोनों ही टीमों की प्रोबेबली प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं। एडिलेड स्ट्राइकर की बात करें तो शॉर्ट, जैक वेदरलैंड, हैरी, रियान गिब्सन, मैट जोनाथन वेल्स और डैनियल जब कोई एक खेलेगा। वहीं जॉर्ज कार्टन, रशीद खान, वैसागर, पीटर सेडल जो कि कप्तान है और डैनियल, तो ये इनकी प्रोबेबली प्लेइंग 11 हो सकती है। वहीं दूसरी टीम जो कि मेलबर्न रेनेगेड है, एरॉन फिंच वापसी कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है जब फिंच वापसी करेंगे तो वो ओपनिंग करते हुए भी नजर आएंगे। उनके साथ में सैम हार्पर, उसके बाद जेम्स, जैक, मैक, मोहम्मद नबी, विल शदरलैंड, रिची, जेम्स पैटिसन, जहीर खान और केन रिचर्डसन। बात करते हैं दोनों ही टीमों के हेड टू हेड मैचेस के बारे में। हेड टू हेड की बात करिए टोटल 15 मैचेस खेले गए हैं दोनों ही टीमों के बीच। इन 15 मैचेस में एडिलेड ने 9 मैच जीते हैं, रेनेगेड ने 6 मैच जीते हैं, फर्स्ट बैट ने 13 मैच जीते हैं और सेकंड बैट ने मात्र 2 मैच जीते हैं। वहीं लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो यहां पे स्ट्राइकर ने लीड दे रखी है 3-2 से। इन दोनों ही टीमों के बीच इस सीजन एक मैच खेला गया है, उसका जो रिजल्ट है उसके सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पे पहले बैटिंग करते हुए मेलबर्न रेनेगेड ने 153 रन स्कोर किया 9 विकेट के नुकसान पे और उस टारगेट को डिफेंड भी कर लिया मात्र 2 रन से। जैकपॉट मैच रहा था। इसमें जो प्लेयर्स के स्टैट्स थे उनके बारे में बात करते हैं तो सैम हार्पर जिन्होंने 28 बॉलों पे 33 रन स्कोर किया, मैक जिन्होंने 46 बॉलों पे 56 रन स्कोर किया, पीटर सिडल स्टार्टिंग के 2 ओवर थोड़े महंगे साबित गए थे लेकिन बाद के 2 ओवर में उन्होंने विकेट निकाल कर दिया, 4 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट निकाले। वहीं जॉर्ज कार्टन जिन्होंने 23 रन देकर 2 विकेट लिए। वहीं एडिलेड स्ट्राइकर के प्लेयर्स के बारे में बात करें, मैथ्यू शॉर्ट जिन्होंने 18 बॉल फेस करी और 29 रन स्कोर किया, हैरी जिन्होंने 30 बॉल पे 30 रन स्कोर किया, कहीं ना कहीं इनकी हार का कारण ये प्लेयर बना था। वहीं बात करते हैं जहीर खान जिन्होंने 24 रन देकर 3 विकेट लिए। वहीं विल सदरलैंड जिन्होंने 13 रन देकर 2 विकेट लिए। अब बात करते हैं इनके लास्ट के 5 मैचेस के बारे में जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये इनके लास्ट के 5 मैचेस है। अब बात करते हैं इस ग्राउंड पर जो मैचेस खेले गए हैं T20 डोमेस्टिक उसके बारे में। तो टोटल 55 मैचेस खेले गए हैं। इन 55 मैचेस में से बैटिंग फर्स्ट ने 33 मैच जीते हैं और बैटिंग सेकंड ने 22 मैच जीते हैं। यहाँ का जो एवरेज स्कोर है वो 166 है। यहाँ पर जो हाईएस्ट स्कोर रहा है सिडनी थंडर का रहा है 232 एंड यहाँ का जो लोवेस्ट स्कोर है वो एडिलेड स्ट्राइकर का है 87 पे ऑल आउट हो चुकी है टीम। बात करते हैं स्कोरिंग पैटर्न के बारे में। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें बिलो स्कोर 150 13 टाइम, 152 169 15 टाइम, 172 189 21 टाइम, यानी यहां पर स्कोर लगभग इतना आपको देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं अब स्कोर 196 टाइम। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। पिच रिपोर्ट की बात करें तो बैट्समैन के लिए पिच में काफी ज्यादा मदद है। यहाँ का जो एवरेज स्कोर है 166 है, जो मिडल के ओवर्स होते हैं स्पिनर के लिए काफी ज्यादा मदद होती है उनमें और यहाँ पर जो चेस करने आती है टीम उसके लिए भी काफी ज्यादा मदद है। वहीं बात करते हैं बॉलर से क्या स्टैट्स रहते हैं। स्टैट्स की बात करें तो ऑर्थोडॉक्स और जो लेग ब्रेक बॉलर होते हैं उनकी इकोनॉमी 7.2 से 7.5 के आसपास की रहती है। वहीं बात करते हैं ऑफ ब्रेक और चाइनामैन की इकोनॉमी रहती है 7.6 से 7.8। वहीं जो फास्ट बॉलर्स होते हैं उनकी लगभग 8.0 से 8.2 की इकोनॉमी रहती है। वहीं जो मीडियम बॉलर होते हैं उनकी इकोनॉमी 8.5 के करीब की होती है। अब बात करते हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर्स के बारे में, उनकी लास्ट की परफॉर्मेंस क्या है और इस ग्राउंड पर उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है। पहले बात करते हैं मेलबर्न रेनेगेड के बारे में। फिंच की बात करी जाए तो अगेंस्ट स्ट्राइकर के 6 मैच खेले हैं, 17 के एवरेज से मात्र 100 रन ही स्कोर किया है। वहीं ओवल में उन्होंने 4 मैचेस खेले हैं, 37 रन स्कोर किया, यानी एरॉन फिंच टोटली फ्लॉप रहे हैं। वहीं जेम्स की बात करिए तो 1 मैच खेला है, 23 रन स्कोर किया है। वहीं सैम हार्पर जिन्होंने 7 मैचेस में 127 रन स्कोर किया है। दोस्तों देखा जाए तो मेलबर्न रेनेगेड के टॉप के तीनों बल्लेबाज फ्लॉप रहते हैं एडिलेड स्ट्राइकर के सामने और इस ग्राउंड पर भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी है। वहीं मैक की बात करिए 4 मैच में 105 रन स्कोर किया है और इस ग्राउंड पर 2 मैच खेले हैं 48 रन स्कोर किया है। मोहम्मद नबी की बात करें तो उन्होंने एडिलेड स्ट्राइकर के खिलाफ 6 मैच खेले हैं, 146 रन स्कोर किया है और 3 विकेट भी निकाल कर दी है और इस ग्राउंड पर उन्होंने 3 विकेट निकाले हैं, 4 मैच खेले और 132 रन स्कोर किया है।
विल सदरलैंड जिन्होंने दो मैच खेले दो विकेट निकाल कर दिए, रिची जिन्होंने एक मैच खेला एक विकेट निकाल के दिया, जेम्स पैटिसन जिन्होंने पांच मैच खेले और नौ विकेट निकाल कर दिए एडिलेड स्ट्राइकर के, ये बॉलर आपके लिए एक्स फैक्टर प्लेयर साबित हो सकता है, तो इस बॉलर को आपको ड्रॉप नहीं करना है। वहीं बात करते हैं केन की जिन्होंने 7 मैचेस खेले और 10 विकेट निकाल कर दी है, तो यानी दो बॉलर आपके लिए मेलबर्न रेनेगेड की तरफ से फिक्स है कि आपको इन्हें ड्रॉप नहीं करना है किसी भी लीग में। वहीं बात करते हैं एडिलेड स्ट्राइकर के प्लेयर्स के बारे में, मैच शॉट की बात की जाए 5 मैचेस में 138 रन स्कोर किया है अगेंस्ट रेनेगेड के और इस ग्राउंड पे 14 मैचेस खेले है 249 रन स्कोर किया है। जैक वेदरलैंड जिन्होंने 10 मैचेस में 295 रन स्कोर किया है, काफी अच्छे प्लेयर है ये। हैरी जिन्होंने 2 मैच खेले हैं और 34 रन स्कोर किया है। रियान गिब्सन 4 मैच में 87 रन स्कोर किया है। मैट रेंसो की बात करें तो 7 मैचेस में 23 की एवरेज से 163 रन स्कोर किया है अगेंस्ट रेनेगेड के। वहीं इस ग्राउंड पर बात करिए तो 7 मैचेस में 229 रन स्कोर किया है। वेल्स की बात करिए अगेंस्ट मेलबर्न रेनेगेड के 14 मैच में 302 रन स्कोर किया है। वहीं बात करते हैं राशिद खान की तो उन्होंने मेलबर्न रेनेगेड के खिलाफ 9 मैच खेले हैं, इन 9 मैचेस में 14 विकेट निकाल कर दी है, तो ये आपके लिए काफी अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं, हालांकि लास्ट मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। वहीं बात करते हैं वेस अगर जिन्होंने 6 मैच खेले हैं रेनेगेड के खिलाफ और 6 विकेट निकाल के दी है। पीटर सिडल जिन्होंने 7 मैच में 10 विकेट निकाल कर दी है रेनेगेड के खिलाफ, ये आपके लिए काफी अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। वहीं डेनियल जिन्होंने 4 मैच में 4 विकेट निकाल कर दी है। यहाँ पर जो पीटर सिडल है लास्ट जो बिग बैश था काफी अच्छा था, काफी ज्यादा विकेट भी। अब बात करते हैं बैट्समैन वर्सेस बॉलर के हेड टू हेड के बारे में। फिंच वर्सेस पीटर सिडल की बात करिए तो 9 रन स्कोर की है फिंच ने, 8 बॉले फेस करी और एक बार आउट हुए हैं। वहीं सैम हार्पर वर्सेस रशिद की बात करिए तो 2 बार आउट हो चुके हैं, मात्र 11 रन स्कोर किया है और 16 बॉले फेस करी है। वहीं जैक वर्सेस रिचर्डसन की बात करिए तो 22 रन स्कोर किया है 23 बॉलों पे और 2 बार आउट रहे। यानी ये जो बैटल है बॉलर्स की बैटल रही है, बॉलर्स यहां पर जीते है, यानी आपको बॉलर ज्यादा पिक करने पड़ेंगे इस मैच में, क्योंकि फर्स्ट बैट ज्यादा मैच जीती है जब भी दोनों टीमें आमने सामने होती है। तो जो भी टीम फर्स्ट बैट करे उनके आप टॉप ऑर्डर के बैट्समैन और बॉलर ज्यादा पिक करना, वो आपके लिए स्मॉल लीग के लिए काफी अच्छी चॉइस रहने वाले है। बात करते हैं आप लोगों के लिए छोटी सी स्मॉल टीम की, मैंने बना दी है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सैम हार्पर विकेट कीपर में आपके लिए काफी अच्छी चॉइस है। बैट्समैन में बात करें तो जैक जोनाथन वेल्स और एरॉन फिंच अगर खेलते हैं तो, अगर नहीं खेलते हैं तो आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा टॉस के बाद कौन कौन से प्लेयर आपको पिक करने हैं, कौन से आपको ड्रॉप करने हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहीं बात करते हैं ऑलराउंडर में मोहम्मद रफी आपके लिए काफी अच्छी चॉइस है और ये वाइस कैप्टन के लिए भी काफी अच्छी पिक है आपके लिए। वहीं बात करते हैं बॉलर्स में, मैंने बॉलर ज्यादा पिक किए हैं यहाँ पे, जहीर खान, पीटर सिडल, जॉर्ज गार्डन, रशिद खान और केन रिचर्डसन आपके लिए काफी अच्छी चॉइस है। वहीं बात करते हैं अब विनिंग परसेंटेज की बात करें तो एडिलेड स्ट्राइकर के जीतने के चांसेस 57% है और मेलबर्न रेनेगेड के जीतने के चांसेस 43% है। टॉस एडिलेड स्ट्राइकर जीत सकता है अगर यहां पर मेलबर्न रेनेगेड फर्स्ट बैट पे आती है तो 145 से 155 रन स्कोर करते हुए नजर आ सकती है। वहीं एडिलेड स्ट्राइकर अगर फर्स्ट बैट पे होती है तो 164 से 175 स्कोर करते हुए नजर आ सकती है। ये प्रेडिक्शन आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना।